सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना बनाई है ताकि वृद्ध जनों का भरण पोषण हो सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के कटेहरी ब्लॉक के सुभाखरपुर गांव के निवासी राम नयन सहित तीन लोगों का पिछले 10 सालों से बनी हुई पेंशन आज 2 साल से न मिलने के कारण उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानी है वहाँ की 2 साल पेंशन रुकी है, ना मिलती बात है, वही से जान ला कि ढेर खर्चा हमारा चल जाती रही है। कौन खर्चा चल जाता रहा? अरे अब जान ला कि अभी शादी ब्याह कुलर से पंचा हो तो और परेशानी रही है, वो दूर हो जात, अब वो जो हम देते रहा गवर्नमेंट वो रोक दी है वहाँ, तो कुल परेशानी नहीं आए ऊपर सजे परेशानी तो आएगी ऊपर। हरी लड़की की शादी करेगी, हम तीन लड़की हैं वहीं मेरे शादी करेगी। परेशानी है बाकी थोड़ा पेंशन वेंशन बनी रही, बुढ़ापा में मिलत रहा तो खर्चा पाती चल जात रहा, अब पेंशनों 2 साल से बंद हो गई, अब वो कुछ ना मिलत बा, पैसा कौड़ी बहुत परेशानी रहा है, सुई दवाई के ना हो पावत, घर वाले चार से नतनी है पढ़ावे लिखावे में लड़के परेशान रहते हैं, और क्यों कमाए वाला ना ही ना, यही पर तरह तरह परेशानी है। सरकार दे तो रहा वो बंद कर दी, ना बुढ़ापा कुछ करे लायक है, मजदूरी ना करे लायक है, वही से अपन खा जिए। परेशानी है, हमें पेंशन ना मिलत बा और दर दवाई ना होत है और खर्चा खुराक ना चलत बा, लड़के बच्चे हैं बिलग हैं, वह अपन लड़के चार ठिकियाँ कमाए देखें, और किराया भाड़ा कहूँ जाए थे किराया भाड़ा ना रहा, कहूँ जाए ना पाए, कपड़ा लत्ता ना रहा, कपड़ा लत्ता कैसे खरीदी, चप्पल जूता कैसे खरीदी, बहुत बड़ी मजबूरी है, यही में है बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं और मेरा समुदाय यह चाहता है कि रामनायन सहित तीन लोगों का वृद्धा पेंशन रुकी हुई उन्हें मिले ताकि उनकी यह परेशानी दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि जिला समाज कल्याण अधिकारी का मोबाइल नंबर 84004848 87 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल सके। मैं गायत्री राज, उत्तर प्रदेश जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया, अनहड़ के लिए।